भाई भाई ये अपना सिलेंडर के पेंट चेक करो एक बार। चल बड़े भाई, ये पार्ट अपने सारे बफिंग के सही है मिस्त्री? ला भाई ये अपनी आरक्षण रेड के नट बोल देख रहे हो, कंडीशन की और तब देखी थी तुमने, चमक रहे बिल्कुल बढ़िया। गलती तेरी नहीं है, मैं यही सोच के आया था। लिख तो रहा इस पे। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई कल के अपने व्लॉग में यार तुमने देखा होगा अपनी जो वो स्प्लेंडर है ना भाई दोस्त की, उसमें हमने कराई थी कल मॉडिफिकेशन है ना, बढ़िया बढ़िया। तो अभी उसमें थोड़ा बहुत काम और रह रहा है, पर फिलहाल अपना भाई जिम पे आ रखे कुछ काम से, ठीक है। अब निकल रहे सीधा घर, और घर पहुंच के भाई आज निकल रहे सबसे पहले हम बाटा पे। बाटा पे भाई इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अपनी जो आरक्षण रेड है भाई उसमें मेरा काम हो गया 80% काम उसका हो चुका है। तो आज हमें पता क्या करना है, चलो पहले घर चलते हैं, वहीं पे समझाऊंगा तुम्हें प्रॉपर, है ना। चले भाई फिर। ए भाई जिम विम कर रहे यार, रहना था भाई जिम, अभी शर्म आ जाएगी। तो भाई घर चलते हैं जल्दी से और निकलते हैं फिर सीधा बाटा पे। चलो तो मैं यही बता देता हूँ भाई, देखो अपनी जो आरक्षण रेड है ना उसका कराना है आज इंजन, है ना भाई। उसका जो वो होता है ना चैम्बर, उस पर मैंने कराया था ब्लैक पेंट, ठीक है, उसी की बाट में हम रुक रहे थे इतने दिन से, वरना अब तक तो अपना इंजन हो भी जाता है ना भाई। तो वो होएगा, वो आज हो गया भाई, उसको लेते हैं पेंटर से और फिर ले चलते हैं उसको मिस्त्री के पास, है ना। इंजन का सारा सामान हमने ले लिया है और बफिंग के जो पार्ट है ना वो भी हम वहीं से उठा लेंगे आज। चले भाई फिर। चलो भाई वो टीवी तो बंद कर दूँ, है अपना इन्वर्टर डाउन हो जाएगा। वो देखो देखो ऐसे पकड़ता हूँ फोन, ऐसे से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, समझ रहे हो। पहले नहीं आता था मेरे को, पहले मैं पता क्या करता था, पहले सामने की वीडियो बनाता था ऐसे और फिर बंद कर कैमरा, फिर ऐसे करता था। तो भाई घर की तरफ अपना निकल लिए, और भाई गर्मी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, पता नहीं क्या रीज़न है इसका, कहीं पर कोई ज्वालामुखी तो नहीं फट गया भाई जो इतनी गर्मी बढ़ रही है। संजू भाई भाई अपना निकल दिए भाई घर की तरफ। भाई अपनी स्प्लेंडर कल करा ला, इसकी मॉडिफिकेशन है ना तगड़ी लग रही है वैसा था ना उसकी। भाई जो फ्रंट के वो लंबर प्लेट बनवाई है ना नीचे वाली इंजन के पास है जो, उसमें ना थोड़ी सी ठीक करनी पड़ेगी, वो इंजन में और प्लेट में ना गैप आ रहा अभी, तो उसका कुछ जुगाड़बाजी करनी पड़ेगी। स्वापी से ही बचती है भाई धूप, टावल से बच जाती है, पर टावल का पता है क्या सीन है, टावल वैसे गर्मी मार देती है भाई अंदर, है ना। गर्मी से बदन सब रहता है, बदन सब रहता है और गर्मी लगती है उससे अंदर, वैसे धूप तो वो नहीं आने देती पर गर्मी लगती है उससे। और सेड़क में चल रहा हूँ मैं, इधर घर की सेड़क ना इधर चल रही, और जब शाम हो जाएगी फिर उधर की साइड सेड़क रहेगी, उधर की साइड चलेंगे। ये बीच रोड में चला है भाई, देखो इनका क्या बिगाड़ सकती है धूप, कुछ नहीं हमारा बिगाड़ सकती है धूप। भाई पहले घर जाएंगे, सामान उठाएंगे क्योंकि बहुत सा सामान ऐसा जो वापस करना, और बहुत सा सामान है भाई। मैं तो खाना वाना खा के सह, तू खा जाएगा जल्दी आइए, पर भाई टाइम नहीं फिलहाल भाई, टाइम हो रहा देखो 11:34 और इंजन करने में पता कितना टाइम लगता बहुत। चल ठीक है जल्दी आइए, पर है भाई अपना घर पहुंच चुके गाइस। स्प्लेंडर एक बार तुम्हें दिखा देता हूँ जो हम कल मॉडिफिकेशन उसकी करा के लाए हैं भाई, बहुत हद तक बढ़िया होगी अब। पर एक दो चीज़ मैं उसमें भूल गया, एक तो उसकी जो टेल लाइट है ना उसको मैं सोच रहा था तब ब्लैक कराने की, वो भी मैं भूल गया भाई। ये देखो ये घड़ी भाई, ये टेल लाइट है ना पीछे की, ये भूल गया यार मैं। ला भाई अब मैंने इस प्लेट की बात कर रहा था, ये वाली, ये देख गैप दिख रहा है तुम्हें, ये भाई नटों का, ये देखो अंदर नट दिख रहे तुम्हें, ये टच हो रहा है, ये देखो हो रहा ना नट टच, तो कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा जो पीछे हो जाए बिल्कुल चिपक के, मेरी स्प्लेंडर की तो बिल्कुल चिपक के होती है, अभी उधर खड़ी है वरना तुम्हें दिखा देता। तो भाई अपना एक बार तुम्हें सामान मैं दिखा देता हूँ जो जो हम इसका लेके जाएंगे साथ में, है ना, कुछ सामान भाई रिटर्न भी करना है। तो ये इंजन, ये तो मैंने तुम्हें दिखा भी रखा है सारा इंजन भाई, टोटली आरएक्स का इसमें पड़ा है और हमें रिटर्न करके आना है। एक तो ये रॉड, इसमें इसके ना वो लगते हैं फुट रेस्ट वगैरह, और भाई ये इसके बैरिंग, ये बैरिंग गलत आ गए है ना, ये बैरिंग थे फ्रंट वाले, फ्रंट के बैरिंग इसके बड़े डलते थोड़े, ठीक है, ये यही चीज़ बस हमको रिटर्न करके आनी है और तो सब सही है। और साथ में लेके जाना है ये सारा सामान, ठीक है, क्योंकि इसमें भाई टोटली इंजन है और ये लेके जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नहीं लेके जाएंगे तो इंजन कैसे होएगा ना, इंजन बंधेगा ही नहीं। तो ये लेके जाएंगे और पेंट अपना इंजन का जो वो है ना चैम्बर उस पर हो चुका है, और साइड का जो कवर है बफिंग वाले वो भी हो चुके कम्प्लीट। तो भाई अभी टाइम हो रहा है अपना 11:45, थोड़ी देर में हम निकल रहे हैं,
निकल के पहुंचते सीधा फरीदाबाद मार्केट, वहाँ पे पहुंच के तुम्हें दिखाते। मिस्त्री से मैंने बात कर ली, मैंने कहा भाई इंजन मैं लेके आ रहा हूँ, इंजन करना आज। कह रहा भाई कोई दिक्कत नहीं कर, ले आओ कर देंगे, पर थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, है ना। तो निकलते भाई जल्दी से, अपना संजू भाई अपना खाना खाने गए अभी, ठीक है उनको आते ही। तो भाई फिलहाल अपना टाइम हो रहा 3:32 भाई, हम हो गए थे लेट क्योंकि हमारे पास नहीं थी भाई गाड़ी, गाड़ी लेके गए हुए थे भाई और अब जाके आए हैं। अब निकल रहे भाई, अभी ना सीन पता क्या है भाई, मैं सोच रहा हूँ इंजन है ना, जो इंजन का सामान है, जो इंजन ही मान लो, इंजन का जो सामान है ना ये सारा ये छोड़ के आ जाएंगे मिस्त्री के पास, है ना, क्योंकि भाई इतना टाइम अभी फिलहाल है नहीं जो हम इसको वहाँ पे बनवा के लेके आ जाए, है ना, इतना टाइम है नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ इसको ले जाते वहीं पे और मिस्त्री के पास छोड़ देते, मिस्त्री भाई आराम से इसको बांध के दे देगा, हम ले आएंगे इसको कल। मैं लेट गया था, मेरी आवाज़ भी ऐसी हो रही होगी थोड़ी, है ना, मैं लेट गया था भाई, मैंने कहा यार गाड़ी वगैरह है नहीं तो जाएंगे कैसे, तो मैंने कहा थोड़ा आराम करते हैं। अब इसको और पे आ गई अपनी, इसको लेके जाते हैं, सामान इसमें रख लेते, संजू भाई अपने आने वाले उनको आते ही निकलते, पहुँचते सीधा फरीदाबाद। लो भाई आ ही लिया ये तो, लो भाई अपना सामान निकालते हैं रखते गाड़ी में। इसमें तो इंजन है सारा, हरा वेट है बहुत। बहुत वजन है यार इसमें तो, है अरे इसमें तो पहले भी सामान पड़ा है। भाई और भाई कैसे हो ये भाई, किसकी छीट लग गई? अच्छा मैंने सोचा यार सीमेंट है क्या, अभी रुक जा भाई एक दो, एक कट्टा और रह रहा इसका, कट्टा नहीं पिन्नी। हो ये रहा भाई, ये इसका इंजन का सामान और ये रिटर्न करके आने हैं, यही है बस, है ना, और तो कुछ नहीं है। चलो तो पहुँचते भाई जल्दी से, लेट हो गए भाई हम, है ना, 3 रखे यहीं पे ही, 3:30 सॉरी। और भाई कैसे हो, सो रहे थे क्या? ओहो मैं भी लेट रहा था यार। ला भाई अपना सामान रख चुका गाइस, ला भाई भाई गाड़ी के अंदर अपना आ चुके हैं। पहुंचते भाई अब सीधा अपना मिस्त्री के पास, अपना मिस्त्री है ना जो, वो ही है भाई बाटा पे, है ना, बाटा से थोड़ी पहले पड़ जाती है उसकी शॉप, पर पहले हमें बाटा पे जाना पड़ेगा क्योंकि पेंट का सामान पड़ा है ना उसके पास, चैम्बर वगैरह, है ना, तो पहले भी लेने पड़ेंगे और साइड के जो इंजन के कवर होते हैं ना वो भी पहले लेने पड़ेंगे। ला भाई यार हम अगर तभी चले जाते ना 12 ही, अब तक तो मतलब हमारा इंजन हो भी जाता भाई, हम आ भी जाते घर, पर अब ना इंजन मुश्किल है वापस लाना क्योंकि टाइम ही नहीं है, है ना। तो देखेंगे, कोशिश करेंगे मिस्त्री से एक बार बात करेंगे कि भाई एक दो घंटे में ही हो जाए तो हमारा काम, तो ले आएंगे इंजन को अभी, और एक दो घंटे में नहीं होएगा ना तो फिर छोड़ के आना पड़ेगा इंजन वहीं पर, है ना भाई, क्योंकि यार टाइम लगेगा मेरे हिसाब से तो, क्योंकि मैंने ना एक बार स्प्लेंडर का करवाया तो बहुत पहले, उसमें भाई टाइम लगा था बहुत, तो उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं भी। तो जल्दी से चलते हैं, है ना, कराते हैं इसका काम, और इस टाइम थोड़ी यार भीड़ भी हो जाती है, इस ये चक्कर है थोड़ा, गली वगैरह में जाम हो जाती है वहाँ की बाटा की, हम पसंद करते हैं थोड़ी गलियों में जाके, है ना। पहुँचते जल्दी से, मिलते तुम्हें अब सीधा बाटा पे, है भाई।
बाटा पे पहुंच चुके हैं और अब जा रहे हैं भाई एक बार पेंटर की शॉप पे, वहां पे जाके सामान उठाना है और एक बार ना बाटा पे जाना आगे जहां पे मार्केट है, जहां पे हम सामान लेते हैं वहां पे जाना है, वहां से वो लेने हैं जिन पे हमने बफिंग कराई थी ना वो साइड के कवर, वहां पे जाना है। ले भाई भाई ये चेंज कर रहे हैं और ये वाला ले रहे हैं, ये मुझे लग रहा है आरक्स का ही है शायद, लिख तो रहा है इस पे। तो भाई अपना बाटा पे रुके हुए थे अभी, पहले मैं जा रहा था भाई पेंटर के पास, पर मैंने कहा भाई पहले ना अपने वो ले लेता हूँ बफिंग के पार्ट है ना जिन पे मैंने बफिंग कराई थी ना वो ले लेते हैं। तो वो आ रहे भाई अभी लेके जिनसे मैंने जिनके थ्रू मैंने बफिंग कराई थी ना उन पे, वो भाई लेके आ रहा है, वो मिस्त्री है वो यहीं पे काम करता है तो वो लेके आ रहा है, थोड़ी देर लगेगी उसे। और भाई हमने ना एक तो चेंज कर दिया उसका फुटरेस्ट रॉड जो पहले गलत आ गई थी ना थोड़ी, वो हमने अब चेंज कर दिए है ना अब आर्क स्टैंडर्ड के लिए। और एक ये लिया हुआ उसका हैंडल का जो कॉन सेट वगैरह होते हैं ना गोली होती जो गोली है वो बस उसकी देर है, उसको आते ही भाई फिर पेंटर से सामान उठाता है। अरे भाई आवाज, उसको आते ही अपना पेंटर से सामान उठाना है और पेंटर से सामान उठा के सीधा जाना मिस्त्री के पास। हाँ गर्मी, मिस्त्री पास जाते ही भाई अपना कराना है इंजन सेट है ना। वो आ लिया भाई, आ तो लिया चीता काला सा आएगा देखिए भाई, ये आ रहा भाई स्कूटी वाला दिख रहा तो मैं वो आ रहा यार इस पे हमारा सामान ले लेकर आया, अरे दिख तो नहीं रहा भाई कट्टे में। तो भाई इस कट्टे में अपना बफिंग का सामान सारा खोल के भाई मिस्त्री की शॉप पे दिखाएंगे, अभी नहीं खोलेंगे इनको है ना। देखिए भाई ले भाई भाई ये अपना सिलेंडर किट पेंट चेक करो ये वाला, और अभी उसका जो चैम्बर है ना वो और आएगा, अभी देख रहे हो साइन ये चैम्बर है भाई। तो भाई फाइनली अपना इंजन वगैरह का जो भी सामान था ना पेंट का वो सारा ले लिया है और अब जा रहे हैं भाई सीधा अपना मिस्त्री के पास, ठीक है मिस्त्री की शॉप पे मिलते हैं भाई सीधा, तुम्हें वहीं पे सामान दिखाऊंगा तुम्हें ढंग से, वहाँ पे मैं दिखा भी नहीं पाया था पेंटर के वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे थोड़ा अंधेरा सा भी था तुम्हें पता नहीं चलता भाई उसकी क्लियरिटी, तो यहाँ पे दिखाऊंगा मिस्त्री की शॉप पे, ठीक है बफिंग वाला भी सामान और पेंट वाला सामान भी, ठीक है बस पहुँचने वाले इधर से ये गली दिख रही तो मैं सामने जहाँ से ऑटो आया अभी यहाँ पे ही बस जाम इतना है ना गलियों में, हट जाओ भाई। ले भाई भाई ये पार्ट अपने सारे बफिंग के जिन पे बफिंग कराई थी हमने, देखिए दोस्त ले भाई ये अभी ना और ज़्यादा चमक जाएगा, अभी थोड़े गंदे से हो रहे हैं इन पर पाउडर लगेगा ना, सही है मिस्त्री ले भाई यहाँ से भाई थोड़ी होती नहीं बफिंग, यहाँ तो ऐसी रहेगा भाई गिर मची है। ले भाई साइन फोन दिख रहा बिल्कुल और भाई इनकी ना थोड़ी सफाई होगी, अभी ये ना थोड़े गंदे से हो रहे हैं, जब इंजन बन जाएगा ना सेट हो जाएगा फिर होगी ना सफाई। इसमें क्या है अच्छा साइड प्लेट है भाई, भाई अपना मिस्त्री का छोड़ दिया सारा सामान इंजन भी और बाकी का सारा जितना भी था पेंट वगैरह करा खिलाए थे ना जो भी वो सब छोड़ दिए क्योंकि भाई मिस्त्री कह रहा कि भाई ये इंजन ना थोड़ा फटीक वाला है इसमें लगेगा टाइम, तो अभी तो नहीं हो पाएगा आपको ना छोड़ के जाना पड़ेगा भाई। मैंने कहा भाई गलती तेरी नहीं है, मैं यही सोच के आया था कि मैं छोड़ के जाऊँगा भाई है ना भाई। तो अब जा रहे भाई एक बार फैक्ट्री, पता है कौन सी वाली जहाँ पे अपने नटों की जिंक कराई थी ना हमने, वहाँ पे जा रहे हैं अब नटों को लेने, मेरे दिमाग से निकल गई थी ना भाई एसी चल जा, स्कॉर्पियो का एसी बहुत लेट चला है यार, तो चलते भाई फैक्ट्री वहाँ से अपना नट वगैरह और उठा लेते हैं, फिर मिस्त्री को ना एक स्टड देना इसका, एक स्टड रह रहा है इसको दे के फिर निकल जाएंगे घर। फिलहाल टाइम हो रहा अपना 4:47, चलो भाई तो पहुँचते हैं जल्दी से, दिखाते हैं तुम्हें कि नट है ना जो अपने वो कैसे हो गया अब है ना पहले से। फैक्ट्री पहुंच चुके हैं और यहाँ पे अपने आरक्षण के भाई नट बोल्ट है और भाई जिंक होके ना कुछ ऐसे हो जाते हैं नट जैसे देख रहे हो बिल्कुल ब्रांड न्यू ऐसे हो जाते हैं, अभी अपने नट आ रहे हैं उनको आते ही फिर तुम्हें दिखाएंगे। ले भाई भाई ये अपनी आरक्षण के नट बोल्ट देख रहे हो कंडीशन की, और तब देखी थी तुमने कितनी गंदी कंडीशन थी, अब देखो भाई चमक रहे बिल्कुल बढ़िया। ले भाई तो भाई इसलिए कराते हम जिंक नहीं हो जाते बिल्कुल, भाई नट बोल्ट अपने ले लिए सारे
अब निकलते एक बार मिस्त्री के पास रुकना है, उसे देना है एक स्टड, उसको एक स्टड दे के फिर निकलेंगे भाई घर सीधा, ठीक है। स्टड समझ रहे हो तुम, इंजन का एक नट होता है उनको स्टड बोलते हैं, वो देना बस मिस्त्री को, फिर अपना घर। और नट की कंडीशन देखी तुमने कितने अच्छे हो गया ना, पहले देखे तो बिल्कुल ब्लैक और गंदे से, भाई नए हो गए ना बिल्कुल, नए भी नहीं आते ऐसे, सच होता इतनी अच्छी कंडीशन हो जाती है। तो ये फायदा भाई पूरी बाइक रिस्टोर कराने का, कोई भी पुरानी बाइक है ना अगर उसे बढ़ाने की सोच रहे हो तो भाई रिस्टोर ही करो उसको, थोड़ा पैसा और लगा के तभी आता है असली मजा, है ना भाई, नई वाली फीलिंग आएगी अब। RX जब चलेगी ना अब नई वाली फीलिंग देगी बिल्कुल। तो चलते भाई जल्दी से, पहुँचते सीधा मिस्त्री के पास और मिस्त्री को एक अपना स्टड दे के फिर निकलते घर, 5 बज गए भाई। तो भाई अपना आइसक्रीम ले रहे थे, मिस्त्री को सामान वगैरह अपना दे दिया, वो ये अरे चॉकलेट वाली नहीं, पिंक रहती है वो बाहर से भाई। उस दिन हम सामान गिर गए थे ना पहले, उस दिन वाली ब्लॉग देखो, ये दे दे। उस दिन हमने खाई थी यार, वो बहुत तगड़ी लगी थी मेरे को आइसक्रीम, उसका नाम मैं भूल गया क्या है, एक बार देख लेते हैं। तो फाइनली भाई अपना घर पहुंच चुके हैं, अपने जो नट बोल्ट है ना RX के, इनको निकाल लेते हैं, इनको रख देते हैं ना।